नमस्कार दोस्तों, टारगेट 99 चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने 12 नवंबर एवं 13 नवंबर 2021 को जो कि UPSI में जो भी प्रश्न हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे उसका वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप सारा वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, 84 सीधों में प्रथम सीध कौन है? 84 सीधों में प्रथम सीध सरहपा हैं। 84 सीधों में प्रथम सीध जो कि सरहपा को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द उदय का विलोम है? उदय का विलोम जो कि अस्त होता है। उदय का विलोम अस्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रश्मि रथी किसके जीवन पर केंद्रित कृति है? रश्मि रथी है जो कि कर्ण के, रश्मि रथी जो कि कर्ण के जीवन पर आधारित यह है। रश्मि रथी कर्ण के जीवन पर आधारित केंद्रित है। रश्मि रथी है जो कि कर्ण के जीवन पर केंद्रित कृति है। नेक्स्ट है, प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? प्रत्यय का प्रयोग शब्दों के बाद में यानी अंत में किया जाता है। प्रत्यय का प्रयोग उपसर्ग का शब्दों के स्टार्टिंग में और प्रत्यय का प्रयोग शब्दों के लास्ट में किया जाता है। उदय प्रकाश इनमें से किस विद्या के चर्चित लेखक हैं? उदय प्रकाश किस विद्या के चर्चित लेखक हैं बताना है। उदय प्रकाश जो कि कहानी लिखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है बताना है। तत्सम कौन सा है? जम्बूल जो कि तत्सम है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का विलोम जल होगा। नेक्स्ट है, जिस संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष कहा जाता है। जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहा जाता है। नेक्स्ट है, जिस पर हमला न किया गया हो, इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? जिस पर हमला न किया गया हो इसे अनाकांत कहा जाता है। उसको अनाकांत कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द तत्वभव है? तत्वभव बताना है। इसमें से तत्वभव कौन है? तो आश्चर्य जो कि तत्सम है। उल्लास जो कि तत्सम है। और अग्नि भी तत्सम है। इलायची जो कि तत्वभव है। यहाँ इलायची जो कि तत्वभव होगा, आश्चर्य, उल्लास और अग्नि जो कि तत्सम है, इलायची तत्वभव है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से 16 मात्रा वाला छंद कौन सा है? छंद बताना है जिसमें 16 मात्रा होती है। तो चौपाई जो कि सममात्रिक छंद है, इसमें 16, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी की वह चर्चित रचना कौन सी है जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना था? तो आंसर होगा चंद्रकांता पर जो कि सीरियल भी बना था। नेक्स्ट है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ होता है? तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, जैसे क ख ग ङ। नेक्स्ट है, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? व्यास सम्मान जो कि ब्योमकेश दरवेश को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था? प्रश्न है,
भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था? आंसर है 15 वर्षों तक। भारतीय संविधान के अनुसार 15 वर्ष तक हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग करने का सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट है, आनंद का अनेकार्थी होगा। आनंद का अनेकार्थी खुशी होता है। आनंद का अनेकार्थी खुशी होता है। नेक्स्ट है, कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन होगा? कमल का पर्यायवाची पंकज होता है। कमल का पर्यायवाची पंकज होता है। यशोधरा, कैकई, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों का कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन हैं? यशोधरा, कैकई, उर्मिला, जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा इनके पात्र पर आधारित कविता लिखा गया है। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा यशोधरा, कैकई, उर्मिला नारी पर आधारित कविता लिखा गया है। नेक्स्ट है, इनमें से शुद्ध बताना है। शुद्ध बताना है पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि जो कि सीध है, शुद्ध एकदम बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। यह गलत है, पृष्ठभूमि गलत है। पृष्ठभूमि है जो गलत लिखा हुआ है। अब शुद्ध कौन कौन सा लिखा हुआ है? तो देखिए, ज्योत्सना, ज्योत्सना शुद्ध लिखा हुआ है। सूर्पनखा शुद्ध लिखा हुआ है। और संतुष्ट, संतुष्ट भी जो कि शुद्ध लिखा हुआ है। यहाँ पृष्ठभूमि जो कि गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारण नहीं किया जा सकता है? व्यंजन का उच्चारण किसके बिना नहीं किया जा सकता है? आंसर होगा स्वर के बिना। स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। व्यंजन के डेफिनेशन में ही होता है, जब किसी वर्ण का उच्चारण स्वर की सहायता से की जाती है तो व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट है, उलादाउदकृत लोर कहा कि भाषा कौन सी है? अवधि भाषा। उलादाउदकृत लोर कहा कि भाषा अवधि है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? पुस्तक किससे मंगाऊं, पुस्तक किससे मंगाऊं, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, जो किए गए उपकारों को मानता है कृतज्ञ, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसे कृतघ्न कहा जाता है। जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसको कृतघ्न कहा जाएगा, और किए गए उपकारों को मानता है उसे कृतज्ञ कहा जाएगा। यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में अव्ययी भाव समास है। यथासंभव में अव्ययी भाव समास है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वीरांगना का पुलिंग रूप क्या होगा? वीरांगना जो कि एक स्त्रीलिंग है, वीर के वीरांगना होता है, वीर है जो कि पुलिंग है और वीरांगना स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है, इसमें सही शब्द को बताना है या शुद्ध किस तरह से लिखाएगा? तो दुग्धोज्वल, इस तरह से शुद्ध होगा, दुग्धोज्वल। उज्ज्वल में, जो उज्ज्वल में डबल ज होता है, दोनों ज आधा होता है, इसी तरह ज्वल, तो वहां से आप देख सकते हैं। और दुग्धो, दुग्धोज्वल, उज्ज्वल में जो डबल ज हाफ होता है वह यहाँ पे लिखा गया है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। बताना है अक्रमक क्रिया का उदाहरण नहीं है। अक्रमक क्रिया का उदाहरण नहीं है, अक्रमक क्रिया जिसमें कर्म नहीं हो, सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होती है। जिसे राम क्रिकेट खेलता है तो इसमें कर्म है, कर्म क्या है तो क्रिकेट। राम क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। अब अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, तो यह राम क्रिकेट खेलता है, यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण। अकर्मक क्रिया सीता गाती है, क्या गाती है कुछ पता ही नहीं चल रहा। मोहन सोता है, क्या सोता है? आक्रामक क्रिया हुआ। राम खेलता है, क्या खेलता है? अगर है क्रिकेट रहे तो सक्रामक हो जाएगा। सीता गाती है, क्या गाती है? तो गीत गाती है, अगर रहे तो सक्रामक होगा, और ऐसे ही है तो आक्रामक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है? अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि। अनावृष्टि का विलोम अतिवृष्टि और अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि होता है। नेक्स्ट है, हिंदी संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है? कौन सा उपसर्ग है जो हिंदी या संस्कृत का उपसर्ग है? परा, परा जो कि हिंदी या संस्कृत का उपसर्ग है, हिंदी या संस्कृत का उपसर्ग परा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य एकवचन है?
एक वचन बताना था, प्राण ही गए इसमें, जो कि बहुवचन है, प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। नेक्स्ट इसमें है जो कि कल बहुत वर्षा हुई थी, यह जो कि एक वचन में है। महात्मा बुद्ध महान थे, ये जो कि बहुवचन में प्रयोग हुआ है। अध्यापक गण यहाँ बैठे, बहुवचन में हुआ है। कल बहुत वर्षा हुई थी, यह जो कि एक वचन में प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है कर्मवाचक विशेषण का उदाहरण कौन है। कर्मवाचक विशेषण का उदाहरण है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जो कि कर्मवाचक है। नेक्स्ट है इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है। घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है, घुमक्कड़ के रूप में जो कि राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन को घुमक्कड़ के रूप में भी कवि माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन हैं जो कि प्रसिद्ध लेखक हैं, इन्हें घुमक्कड़ के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, वर्तनी से संबंधित भी सांकृत्यायन को पूछा जाता है किस तरह से लिखाता है, तो ध्यान से याद रखिएगा सांकृत्यायन। नेक्स्ट है इनमें से किस साप्ताहिक का संपादक महात्मा गांधी ने किया। साप्ताहिक का संपादक महात्मा गांधी के द्वारा हिंद नवजीवन जो कि साप्ताहिक था, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। हिंद नवजीवन का संपादन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है, सर्वनाम की परिभाषा बताना है। तो संज्ञा के स्थान को प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। जैसे राम, राम के जगह पर आप कर दिए वह, तो वह हो गया सर्वनाम और राम हो गया संज्ञा। राम जा रहा है, राम की जगह आप बोलिए वह जा रहा है, तो संज्ञा था राम, राम की जगह वह शब्द का प्रयोग हुआ, इसलिए वह जो कि सर्वनाम है। नेक्स्ट है प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। ल जो है से पार्श्विक ध्वनि है, र कहे तो लुंठित ध्वनि होता है, र लुंठित ध्वनि, और ल जो है से प्रयत्न के आधार पर पार्श्विक ध्वनि है। नेक्स्ट है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। नेक्स्ट एवं आज का आखिरी प्रश्न है शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है। शब्दों की आवृत्ति जो होती है से किस अलंकार में होती है। आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है। ध्यान रखिएगा शब्दों की आवृत्ति किस अलंकार में होती है, अनुप्रास अलंकार में। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, आपके साथ जितना आपके मोबाइल में ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पर भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप 12 नवंबर और 13 नवंबर का इससे पहले वाला जो भी एग्ज़ाम में पूछा गया था हिंदी संबंधी सारे से प्रश्न वह नहीं देखे हैं तो आप पहले जाइए वीडियो में, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से सारा वीडियो आप देखिए। थैंक यू, धन्यवाद।